सेन जो थे वो पहले प्रताप नगर के राजा थे, महाराज वल्लभ सेन के पुत्र हैं वो। और प्रताप नगर महाराज वल्लभ सेन जी जो थे वो महाभारत युद्ध में भी आए थे। 10वें दिन भीष्म पितामह के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी और पांडवों की तरफ से। तब महाराजा अग्रसेन उसमें 15 वर्ष के थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको मतलब दिलासा दिया था और उनको कहा था कि आप एक प्रतापी राजा होगे और मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। तो इस प्रकार फिर उनका आशीर्वाद लेके जब वो अपने राज्य को वापस आए तो कुछ समय के बाद उनका राज्य अभिषेक हुआ और नागराज कुमुद की कन्या माता माधवी देवी का स्वयंवर था, तो जिसमें महाराज जी को भी बुलाया गया था। और उस स्वयंवर में महाराज जी और कई अन्य सर्प और यक्षगण इस तरह और देवराज इंद्र भी आए थे। तो तब महारानी माधवी ने मतलब वो विश्व सुंदरी थी उस समय, तो महारानी माधवी ने उस समय महाराजा अग्रसेन का वरण किया था। तो इससे कुपित होकर देवराज इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी, तो जिसकी वजह से मतलब काफी प्रॉब्लम होने लगी। तो इन्होंने अग्रसेन जी ने तब तपस्या करी नारायण की। तो उन्होंने कहा कि आप देवी लक्ष्मी की तपस्या करो, चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए थे कि आप देवी लक्ष्मी की यहाँ पे तपस्या करो और मेरी भार्या लक्ष्मी मेरे प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ रहेंगी। तो फिर लक्ष्मी देवी की उन्होंने तपस्या करी और उनको माता लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया था कि आप विजय रहोगे। नागराज महीधर की कन्या सुंदरावती को मैंने मतलब ये वरदान दिया कि वो जिस राज्य में रहेगी वो कभी हार नहीं सकता, तो आप उससे जाके विवाह करो। तो जब महाराज वहां पहुंचते हैं तो महारानी उस समय मतलब उनका भी स्वयंवर चल रहा था और वो अपना पति चुनी रही थी, लेकिन महाराज युद्ध करके वहां पे महारानी सुंदरावती से विवाह करते हैं और फिर देवराज इंद्र को परास्त करते हैं महाराज अग्रसेन। उसके बाद फिर जब वो वापसी आते हैं तो प्रताप नगर का राजा अपने छोटे भाई को देखे और वो नए नगर के निर्माण के लिए जब घूम रहे होते हैं तो वो यहाँ से जब गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक शेरनी जो होती है ना वो बच्चे को जन्म दे रही होती है और जन्म लेते ही उनका बच्चा महाराजा अग्रसेन के हाथी पे छलांग लगा देता है। तो महाराज बोलते हैं कि ये जरूर वीरों की भूमि है, इसलिए मैं अपना राज्य इसी नगर में बसाऊंगा। तो इस प्रकार महाराजा अग्रसेन यहाँ पे राज्य बसाते हैं और उस समय यहाँ पे 1,25,000 घर बसा करते हैं। और इस ये पूरे विश्व में एक ऐसा पहला राज्य था जिस राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि इस राज्य का ये नियम था कि यहाँ पे कोई भी मांगने वाला है तो हर घर से उसको 1 रुपया और 1 ईंट दी जाएगी। तो 1 लाख ईंट से वो घर बना सकता है और 1 लाख रुपए उस समय में हो जाए तो वो अपना मतलब कुछ भी कार्य कर सकता है। तो इसलिए इस राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, इसलिए महाराजों को समाजवाद का प्रथम राजा भी बोला जाता है।